हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है आलू के पापड़। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची होते हैं और इन्हें बना के हम एक साल दो साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो अभी ठंडियों का मौसम है तो आलू लीजिए और बना डालिए पापड़। तो चलिए, इसके बनाने के लिए हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के आलू। इनको हमें बॉयल करना है तो हम ऐड करेंगे इसमें पानी और अब इसे कर लेते हैं बॉयल। तो आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ओवर कुक हो जाने पे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे। तो बस ये गरम गरम आलू को ही हम मैश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पोटैटो मैशर लिया हुआ है, आप चाहे तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं या फिर कद्दूकस कर लें। लेकिन इससे ये ईज़िली तरीके से देखिए कितने अच्छे से मैश हो गया है, कहीं भी कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब चलिए इसमें मिला लेते हैं हम आधे चम्मच से भी कम नमक और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके हमें पापड़ बनाने हैं तो हमने यहाँ थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लिया है। अब इसकी हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। मैंने एक बार हथेली पे ऑयल लगाया है, उसी से हम तीन चार बॉल्स बना लेंगे, बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ छः सात बॉल बना लिए हैं, अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रोटी मेकर लिया हुआ है, आप पापड़ मशीन ले लीजिए या रोटी मेकर, उस पर ऐसे एक प्लास्टिक सीट रखिए। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और एक बॉल रखेंगे और उसके ऊपर एक दूसरी प्लास्टिक सीट लगा लेंगे। अब इसे हल्का सा पुश करेंगे, देखिए बन गया पापड़, क्विक और ईजी। अब इसे हम खोल लेते हैं, अब हमें इसे फैला देना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक सीट बिछाई हुई है, आप कोई भी चादर भी बिछा सकते हैं। उंगलियों से प्रेस करके इस तरह से निकाल लीजिए। इसी तरह हम दूसरा भी बनाते हैं, ये हल्का सा प्रेस किया और बन गया। तो ये तो झटपट बन जाते हैं, इस तरह से हम प्लास्टिक सीट निकाल लेंगे। अब हम दूसरी तरीके से आपको पापड़ बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चकला लिया हुआ है रोटी बेलने वाला, उस पर उस प्लास्टिक सीट को रख लिया, हल्का सा ऑयल लगाया और एक बॉल को रखेंगे। अब इसे कवर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक थाली ली हुई है, इस थाली से हल्का सा पुश करेंगे। तो अगर आपके पास रोटी मेकर या पापड़ मशीन नहीं है तो भी आप इजीली ऐसे बना सकते हैं। अब इसे भी हम फैला देंगे, तो ऊपर की सीट हटा देते हैं और ऐसे प्लास्टिक सीट पे डालेंगे, हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से खींच लेंगे। तो चलिए एक और बना के देख लेते हैं, सेम प्रोसेस से थाली से पुश किया, ये देखिए बन गया पापड़। पापड़ों को हम बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे वरना वो बहुत पतले हो जाएंगे और सूखने के बाद टूटने लगेंगे, तो हल्का सा मोटा रहेगा। अब हम तीसरी तरीके से पापड़ बनाना बताते हैं। इसके लिए मैंने उसी प्लास्टिक शीट पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और एक बॉल रख करके इसे इसी तरीके से प्लास्टिक से कवर कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा चकला लिया हुआ है, आप चाहे थाली चाहे चकले से उसको दबा दीजिए। ये देखिए बन गया, इसे भी निकाल लेते हैं। अब दूसरा उसी के बगल में बनाते हैं, ये रखा प्लास्टिक सीट से कवर करेंगे और फिर से पुश करेंगे। ये हल्का सा प्रेस करने पे देखिए उसी ठीक बगल में बन गया, धीरे से हम इसे निकाल लेंगे। सारे पापड़ हमने बना लिए हैं। लगभग तीन चार घंटे बाद अब इन्हें हमें पलट देना है, क्योंकि प्लास्टिक सीट पे अगर ना भी पलटेंगे तो भी ये आसानी से निकल जाएंगे, अगर चादर पे है तो आप पलट दीजिए। अब एक दिन के बाद हमारे पापड़ सूख गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब इन्हें हम फ्राई करने चलते हैं। तो हमने इसे फ्राई करना है
इसे ऑयल में डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि ये आलू के पापड़ है इसलिए तेल में डालते ही इसे हमें तुरंत पलट देना है, वरना ये जल्दी से जल जाते हैं। तो इस तरह से हम डालेंगे और तुरंत ही पलट देंगे। आलू के पापड़ को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करना रहता है, इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करिएगा वरना ये जल जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइए, बनाकर स्टोर करिए 1 साल 2 साल तक के लिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।